जी वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है स्ट्रिंग। इससे पहले भी हम काफ़ी लेक्चर्स में स्ट्रिंग को यूज़ कर चुके हैं, पर हमने स्ट्रिंग के बारे में डिटेल से बात नहीं की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं कि मैं स्ट्रिंग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। देखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें तो उसके अंदर स्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अगर हम बात करें फेसबुक की या फेसबुक की तरह के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो जब आप वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, वो भी एक स्ट्रिंग है। आप ईमेल प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक स्ट्रिंग है। आप पासवर्ड को सेट करते हैं, वो भी एक स्ट्रिंग है। इसी तरह से आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो भी एक स्ट्रिंग है। आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी को टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो वो भी एक स्ट्रिंग है। इट्स मीन के कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर स्ट्रिंग यूज ना हो। तो इसलिए यह स्ट्रिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम स्ट्रिंग को भी कवर करेंगे और मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक को भी कवर करेंगे। हम ये देखेंगे जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में क्या चेंजेस आते हैं, मेमोरी में स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट होती हैं, जावा वर्चुअल मशीन उसे कैसे हैंडल करती है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट इज अ स्ट्रिंग। तो इसकी डेफिनेशन देखें, अ स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय डबल कोटेशन। मतलब ये कि डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब डबल कोटेशन के अंदर आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, आप स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखें, सबसे पहले हम स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम और जो भी वैल्यू होती है उसे हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जावा लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जावा के अंदर स्ट्रिंग को क्रिएट करने के दो मेथड्स हैं। नंबर वन है हमारे पास बाय स्ट्रिंग लिटरल। इसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम और जो वैल्यू होती है उसे हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। अब इस मेथड को आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसको ज़्यादा यूज़ क्यों करेंगे उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद देखिए हमारे पास जो दूसरा मेथड है उसमें है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करते हैं, फिर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर जाके डबल कोटेशन के अंदर हम वैल्यू को लिखते हैं। तो ये दो मेथड हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के। अब बात करते हैं कि इन दोनों मेथड में क्या फ़र्क है। देखिए फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है, फ़र्क है मेमोरी का। तो समझते हैं कि मेमोरी का क्या फ़र्क है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल के बारे में। तो हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है स्टैक मेमोरी जिसके अंदर हम रेफरेंस को स्टोर करते हैं, और एक होती है हीप मेमोरी जिसके अंदर वैल्यूज स्टोर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करते हुए एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, नाम है वेरिएबल का नेम और यहाँ पर वैल्यू है लतीफ। तो नेम जो है वो एक रेफरेंस है, वो स्टोर हुआ स्टैक मेमोरी के अंदर, और जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये स्टोर हुई है इस स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, जब भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो स्ट्रिंग लिटरल का यूज करते हुए, तो ये हीप के अंदर जाके एक एरिया बना लेती है जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल का। अब इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें अभी फिलहाल हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक वैल्यू है। अगर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करें और उसके अंदर सेम वैल्यू स्टोर करें, इस तरह से देखें हमारे पास एक और वेरिएबल है, वैल्यू इसके अंदर वही है जो कि पहले वेरिएबल के अंदर है। अब क्या होगा, स्टैक के अंदर ये रेफरेंस भी आके स्टोर हो गया, और अगर आप स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में देखें तो हमारे पास वैल्यू वही एक है, एक और वैल्यू इसमें ऐड नहीं हुई। देखिए जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, जब भी आप कोई नया स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं ना, तो वो पहले जाके स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर चेक करती है कि क्या वो स्ट्रिंग पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर वो स्ट्रिंग पहले से मौजूद है उसके अंदर, तो वो क्या करती है, जो भी न्यू रेफरेंस होता है ना उसको भी पॉइंट कर देती है उसी वैल्यू की तरफ। तो इससे क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाती है और हमें फ़ायदा होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप स्ट्रिंग लिटरल को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो क्या होता है। देखिए हमने एक न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, नाम है इसका नेम। तो ये नेम जो है ये रेफरेंस है, ये स्टोर हो जाएगा स्टैक मेमोरी के अंदर। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर स्टोर नहीं हो रही,
वो स्टोर हो रही है हीप के अंदर। ओके, अब अगर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूं और उसके अंदर सेम वैल्यू इनपुट कर दूं, तो क्या हो रहा है, हीप के अंदर एक और इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर वो वैल्यू शो हो रही है। अब इससे क्या हुआ, हमारी जो मेमोरी है वो ज्यादा कंज्यूम हो रही है, जबकि स्ट्रिंग लिटरल में ऐसा नहीं था। अगर वैल्यू सेम थी तो क्या होता था, वो नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं करता था, उसी पुराने इंस्टेंस की तरफ न्यू रेफरेंस को पॉइंट कर देता था। तो यही फर्क है न्यू कीवर्ड का यूज करने में और स्ट्रिंग लिटरल को यूज करने में। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इम्यूटेबल। कि स्ट्रिंग्स जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मीन कि स्ट्रिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते, उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखें, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है नेम और उसके अंदर वैल्यू है लतीफ। अब हमने क्या किया, इस नेम वेरिएबल के अंदर एक और स्ट्रिंग को ऐड कर दिया खान, तो मतलब ये नाम हो गया लतीफ खान। तो पहले हमारे पास एक रेफरेंस था नेम, वो पॉइंट कर रहा था उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है लतीफ। हमने क्या किया, हमने उसके अंदर एक और वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब क्या हुआ, जो नेम रेफरेंस है वो पॉइंट कर रहा है एक न्यू वैल्यू की तरफ, जो कि है लतीफ खान। वो जो पुरानी वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई। ओके, क्या हुआ, एक न्यू वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। अब इस पुरानी वैल्यू के साथ क्या होगा, जावा वर्चुअल मशीन चेक करेगी कि इस वैल्यू की तरफ कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा, तो वो इस वैल्यू को डिलीट कर देगी और हमारा जो रेफरेंस है अब वो पॉइंट कर रहा है एक न्यू वैल्यू की तरफ। तो इस तरह से जो स्ट्रिंग्स हैं वो चेंज नहीं होती, वो मॉडिफाई नहीं होती। जब भी आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं या स्ट्रिंग को चेंज करते हैं, तो पुरानी स्ट्रिंग में चेंज नहीं आता, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है और जो हमारा रेफरेंस है फिर वो पॉइंट करता है उस न्यू स्ट्रिंग की तरफ और जो पुरानी स्ट्रिंग होती है जावा वर्चुअल मशीन उसे डिलीट कर देती है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग्स के बारे में। इस लेक्चर में हमने काफ़ी ज़्यादा थ्योरी को कवर किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल करते हैं। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिटरल का यूज करते हुए एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसके बाद जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहें वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं अपना नाम शो करना चाहता हूँ लतीफ, इस तरह से इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब इसका अगर हम आउटपुट देखना चाहते हैं तो हम ऐसा आउट का यूज करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे इस वेरिएबल को इस तरह से। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर देखें कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है लतीफ। अब हमारे पास स्ट्रिंग को शो करने का एक और मेथड भी होता है, हम इस वेरिएबल को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डबल कोटेशन का यूज करते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू को शो कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हमारी जो स्ट्रिंग है वो आउटपुट में शो होती है। देखिए अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में अब भी वही सेम वैल्यू शो हो रही है। तो इस तरह से भी आप स्ट्रिंग्स को आउटपुट में शो कर सकते हैं। अब बाज़ुकात क्या होता है कि हमें अपनी स्ट्रिंग के अंदर किसी एक सेंटेंस को या किसी एक वर्ड को हाईलाइट करना होता है, मतलब हम चाहते हैं कि हम किसी एक वर्ड को ना डबल कोटेशन के अंदर आउटपुट में शो करें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल यहाँ पर डबल कोटेशन का यूज करूँ और इस तरफ से भी डबल कोटेशन का यूज करूँ तो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है। इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। अगर मैं किसी वर्ड को डबल कोटेशन के अंदर शो करना चाहता हूँ तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बैक स्लैश का और फिर डबल कोटेशन। इसी तरह से इसके आखिर में भी हम बैक स्लैश का यूज करेंगे और फिर डबल कोटेशन का। अब अगर इस पीस ऑफ कोड को हम रन करें तो यहाँ पर देखें आउटपुट में हमारे पास जो वैल्यू है अब वो डबल कोटेशन में शो हो रही है। आप चाहे तो इसे सिंगल कोटेशन में भी शो कर सकते हैं, उसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, डबल कोटेशन की जगह आप सिंगल कोड को यूज़ कर लो। और इस तरफ भी हम सिंगल कोड को यूज़ करते हैं, दोबारा से कोड को रन करते हैं। अब यहाँ पर देखें आउटपुट में जो वैल्यू है वो सिंगल कोटेशन में शो हो रही है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कोड के अंदर एक बैक स्लैश को यूज करें तो वो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, डबल बैक स्लैश का यूज करना है इस तरह से। अब अगर इस कोड को हम रन करें तो यहाँ पर देखिए हमारी वैल्यू से पहले एक बैक स्लैश शो हो रहा है। तो इस तरह से आप चाहें तो किसी एक सेंटेंस को या किसी एक वर्ड को डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में शो कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है जिसके अंदर हम टैब का यूज करते हैं। देखिए फिलहाल मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लतीफ और यहाँ पर लिखते हैं खान। अब मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान में ना एक स्पेस आ जाए, एक टैब की स्पेस आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक स्लैश टी का यूज करेंगे। अब इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पर देखें हमारे आउटपुट में सबसे पहले लतीफ प्रिंट हुआ,
उसके बाद एक टैब का गैप आया और उसके बाद प्रिंट हुआ खान। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल करेक्टर्स थे जिनको यूज करते हुए हम अपने स्ट्रिंग का जो आउटपुट है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम यूजर से स्ट्रिंग कैसे इनपुट ले सकते हैं। अब क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्कैनर क्लास को। ओके, तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास को यूज करेंगे, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पर आके सबसे पहले तो हमें यूजर को एक मैसेज शो कराना है ताकि उसे आइडिया हो कि उसने कौन सा इनपुट हमें देना है। तो यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर योर नेम। अब देखें ये भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि मैंने इसे डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। इसके बाद हम इनपुट लेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज करेंगे, स्ट्रिंग अब वेरिएबल का नेम, और उसके बाद हम स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे डॉट नेक्स्ट इस तरह से। और आखिर में हमने क्या करना है, इस नेम को आउटपुट में शो कराना है। तो हम एस आउट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे योर नेम इज, और इसके आगे हम इस नेम के अंदर जो वैल्यू है उसे शो करा देंगे इस तरह से। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, मैसेज शो हो रहा है एंटर योर नेम, तो यहाँ पर नेम एंटर करते हैं KHAN खान, एंटर। तो यहाँ पर देखें आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है योर नेम इज खान। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखें मैं इस पीस ऑफ कोड को ना एक बार दोबारा से रन करता हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें यहाँ पर शो हो रहा है एंटर योर नेम, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने चैनल का नाम हम और कोड। ओके, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैसेज में क्या शो हो रहा है हमारे पास, थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ। देखें योर नेम इज हम, तो क्या हुआ, हमने एक पूरा सेंटेंस लिखा जिसके अंदर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं और हमारे आउटपुट में हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो है वो शो हो रहा है, बाकी शो नहीं हो रहे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने नेक्स्ट को यूज किया, आप यहाँ पर यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन। ये नेक्स्ट लाइन क्या करती है, आपसे ना एक पूरा सेंटेंस इनपुट में ले लेती है। अब दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, एंटर योर नेम, अब यहाँ पर लिखते हैं हम और कोड, एंटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है योर नेम इज, और फिर जो हमने इनपुट किया वो सारा का सारा आउटपुट में शो हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है नेक्स्ट में और नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट आपसे सिर्फ एक वर्ड लेगा, नेक्स्ट लाइन आपसे एक पूरा सेंटेंस लेती है इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में सिर्फ आपको बताना था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट का आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट देना था। उसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।